नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लीजिए, मैं अपना दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। और जैसा कि पहला जो मैंने वीडियो दिया था, उसमें मैंने जैक बोर्ड से रिलेटेड सिलेबस पर ब्रीफ चर्चा किया था, क्योंकि ऑफलाइन मैंने सिलेबस की क्लासेस पहले ही कर चुका हूं। मुझे लगता है कि आप लोगों का टाइम लॉकडाउन में अब थोड़ा सा बेटर चल रहा होगा, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि रोज सारे सर लोग वीडियो दे रहे हैं। और हम लोगों का प्रयास है कि आपका जो टाइम जो वेस्ट हो रहा था, उसको अब हम लोग कितना यूज कर पाए। और बच्चों, पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि हमेशा से मैं एक चीज कहा करता हूं कि मैन इज द बेस्ट जज ऑफ हिमसेल्फ। आप क्या करते हो घर में, यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए न तो मैं आपके अभी कहने के लिए मैं वहां उपस्थित हूं, और अब आप उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, अब आपके गार्जियन भी आपको नहीं कहेंगे, बस अब आपको खुद का रिस्पॉन्सिबल होना है। तो लॉकडाउन में अपने समय का सही प्रयोग करते हुए हमें आगे निकलना है। चलिए, आज मैं जैक बोर्ड से रिलेटेड पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। लास्ट मैंने बताया था कि आपके सिलेबस में दो किताबें हैं, फ्लेमिंगो और विस्टास। फ्लेमिंगो हैज टू पार्ट्स, वन इज प्रो सेक्शन एंड सेकेंड इज पोएट्री सेक्शन। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर सिक्स पॉइंट्स इन आवर सिलेबस, एंड द फर्स्ट पॉइंट इज माई मदर एट 66। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आपके चैप्टर का पहला पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है और पता होनी चाहिए, मैं बार बार अपने वीडियो में यह बताता हूं कि जैसा कि आपको पता है, क्योंकि YouTube पर हमारा जो ये वीडियो आया रहा है, इसमें संकल्प के सारे बच्चों के अलावा अब दुनिया का कोई भी बच्चा मुझे देख सकता है, मुझे पढ़ सकता है। तो जो न्यू बच्चे हमसे जुड़ते हैं, वो ये जाने कि मैं देवघर का रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट संकल्प एजुकेशन का इंग्लिश डिपार्टमेंट का हेड हूं। इसलिए मेरी बातों में बार बार आ जाता है कि आप जानते हैं, क्योंकि ऑफलाइन बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। जब मैं बुक्स पढ़ाता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं लिटरेचर की बात करता हूं, और लिटरेचर के बारे में आप थोड़ा सा जान लें कि लिटरेचर के बारे में एक चीज बड़ा कहा जाता है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, यानी साहित्य समाज का दर्पण है। यानी जब हम साहित्य की बात करते हैं, तो हम समाज रूपी चेहरे को साहित्य में देखते हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, व्हाट एक्टिविटी इज गोइंग इन आवर सोसाइटी, ये हम लिटरेचर के माध्यम से जानते हैं। और मैं एक चीज बता दूं कि लिटरेचर हैज टू पर्पस, साहित्य का दो उद्देश्य होता है। फर्स्ट इंटरटेनमेंट, आप लोगों को यह भी जानना चाहिए कि आप जो सिनेमा देखते हैं, सिनेमा इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लिटरेचर। और एक पिक्चर की डायलॉग है कि सिनेमा तीन चीजों से चलती है,
एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। मैं उस पिक्चर का नाम नहीं बताना चाहूंगा, आप लोग समझ गए होंगे। मतलब जब हम साहित्य की बात करते हैं तो मनोरंजन मनोरंजन मनोरंजन। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिनेमा जब भी आप देखने जाते हैं तो आप मनोरंजन के लिए जाते हैं, मजे लेने के लिए जाते हैं। लेकिन शायद आप सबों को पता नहीं है कि लिटरेचर का एक और पर्पस होता है, वो पर्पस होता है एजुकेशन, टू गिव लेसन टू द सोसाइटी। यानी इनडायरेक्टली सिनेमा मनोरंजन के साथ साथ हमें पढ़ाता भी है, हमें कुछ मैसेज देता है, हमें कुछ शिक्षा देता है। इसलिए बहुत सारे टीचर्स को मैं देखता हूं पढ़ाते हुए, तो मैं देखता हूं क्या कि वो डायरेक्ट कंटेंट पर आ जाते हैं और किताब की बातों को बच्चों को पढ़ा देते हैं। नहीं, मैं कतई ऐसा नहीं करता हूं। मेरा मानना है कि लिटरेचर का जो पर्पस है, अगर उस उद्देश्य की बात अगर हम बच्चों के साथ नहीं करें तो लिटरेचर के टॉपिक के साथ वो नाइंसाफी होगी। क्योंकि लिटरेचर, जिन्होंने भी हमारे सिलेबस को डिजाइन किया और हमारे सिलेबस में जिन स्कॉलर्स ने जो पोएम्स या प्रोज डाले हैं, उनका उद्देश्य केवल एग्जाम पास करना और करवाना नहीं है, कतई नहीं। लिटरेचर की पढ़ाई का मकसद ही होता है कि बच्चों को कुछ मैसेज पास ऑन करना, कुछ मॉरल लेसन देना। और हर टॉपिक, हर लेसन किसी न किसी मुद्दे पर बात करता है। तो चलिए, आज मैं आपके बीच एक मुद्दा लेकर उपस्थित हूं और फ्लेमिंगो बुक्स की पहली कविता, फर्स्ट पोएम ऑफ योर चैप्टर विच नेम इज माई मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। जैसे कि आपको टाइटल से ही पता चल जाता है कि माई मदर एट 66, यानी इन दिस पोएम द पोएट इज टॉकिंग अबाउट हर ओन मदर। मैं इस कविता को शुरू करने से पहले थोड़ा मैं आपको कमला दास से इंट्रोड्यूस करा दूं। कमला दास, जैसा कि नाम से ही परिचित है कि कमला बिमला, ये इंडियन नेम आपको लगता होगा, भले हम लोग इंग्लिश पोएम पढ़ रहे हैं, बट आप कमला दास के बारे में जाने कि शिवाज बॉर्न इन मालाबार केरला, आप परिचित हैं मालाबार केरला, या इट मींस शी बिलोंग्स टू इंडिया। इट मींस कमला दास इज एन इंडियन पोएटिस, भारतीय कवित्री कमला दास है। और एक वर्ड मैंने लिखा है एंग्लो इंडियन, इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई इंडियन लेखक या लेखिका, कवि या कवित्री इंग्लिश में कोई चीज लिखते हैं तो उसको एंग्लो इंडियन पोएट या पोएटिस भी कहा जाता है। तो आपको तीनों बातें याद रखना है कि शी बिलोंग्स टू इंडिया, शी इज एन इंडियन पोएटिस, इट मींस शी इज एन एंग्लो इंडियन पोएटिस। फिर मैंने एक लाइन लिखा है कि शी इज नॉन फॉर हर ओरिजिनलिटी, वर्सटैलिटी एंड इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉयल। ओरिजिनलिटी, वर्सटैलिटी, ये दो वर्ड आप समझते हैं। एक वर्ड है इंडिजिनियस, इसका मतलब होता है स्वदेशी। यानी कमला दास की जितनी भी कविताएं हैं, उन कविताओं में हमारे मिट्टी की खुशबू नजर आती है।
भारत की मिट्टी की खुशबू उसकी कविताओं में समाहित होता है। कमलादास प्रायः भारतीय मुद्दे को अपना टॉपिक बनाती है, तो इस कविता में भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार कमलादास ने हमारी मिट्टी की एक टॉपिक को छूने का प्रयास किया है। एंड थ्रू दिस पोएम शी वॉन्ट्स टू कॉन्वे अस मैसेज। इन दिस पोएम शी इज टॉकिंग अबाउट ए ग्रेट इश्यू। दो तीन चीजें मैंने बोर्ड पर लिखा है, थीम पोएटिक डिवाइसेस एंड चाइल्डहुड फियर। प्यारे बच्चों, जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं, अगर आप ध्यान से मेरी सारी चीजों को सुनेंगे, तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मेरा उद्देश्य यह होता है कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन रेज किया जाए, अगर हमारा लेक्चर, अगर हमारे स्टूडेंट्स शुरू से अंत तक बढ़िया से अगर सुने हैं, तो कोई भी चीजों को मैं छोड़ता नहीं हूं पढ़ाने के दौरान। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे लेक्चर में मौजूद होगा। तो दो तीन चीजों को मैंने हाईलाइट किया है। हर कविता या कहानी का अपना एक थीम होता है, एक विषय वस्तु होता है कि आखिर कवि या कवित्री इस कविता के माध्यम से कौन से विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। तो थीम मैंने दो तीन यहां दिया हुआ है, अगर आप एक दो भी याद रख लेंगे, अगर पूछे व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम तो आप लिख सकते हैं। पहला है कंप्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी इस कविता के माध्यम से कवि जटिल मानवीय संबंधों की चर्चा करती है। हमारा जो ह्यूमन रिलेशन है आज इस मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में कितना कंप्लेक्स हो गया है, किस प्रकार आज हम अपने संबंधों को जी नहीं पाते हैं इस मोबाइल की दुनिया में, मॉडर्न एज में। सेकेंड टॉपिक है फियर ऑफ सेपरेशन। जब आप इस कविता में मेरे साथ जब आप आगे चलेंगे तो आपको कुछ दिखाई देगा कि जुदाई का जो दर्द है, जुदाई का जो गम है, वो कैसा होता है। बच्चों, जब हम और आप एक साथ होते हैं तो हम दोनों को यह पता नहीं चलता है कि हम दोनों आपस में कितना प्यार करते हैं, लेकिन जब जुदाई की बात आती है, जब हम और आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उस वक्त रियल लव हमें पता चलता है कि हमारे और आपके बीच कितना प्यार है। और उसका जो दर्द होता है, इस कविता में आप अपने से जब कोई जुदा होता है, अलग होता है, तो उसका जो दर्द है, उस दर्द की बात कवित्री ने इस कविता में की है। जैसा कि आप लोग अभी लॉकडाउन के दौरान हमसे काफी दूर हैं, हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, अभी हमें भी आपके कमी का एहसास होता है, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भी हमारी कमी का एहसास होता होगा। इसी को कहते हैं पेन ऑफ सेपरेशन, जुदाई का दर्द। और तीसरा जो बड़ा मुद्दा है, मेरा यह मानना है, क्योंकि मैं जब कोई टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तो हमारे बहुत सारी चीजों को आप किसी किताब में नहीं पाएंगे, क्योंकि जब कोई कविता लिखा जाता है तो उसकी जो फीलिंग्स होते हैं वो किसी किताबों में दर्ज नहीं होता है। ये आप जब उस कविता को स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आप उस कविता को कितना फील करते हैं तब आपको उसकी बातें पता चलता है। तो एक जो बड़ी चीज जो मैंने यहां देखा है, एटीट्यूड टू द एल्डरली पेरेंट्स। आज इस मॉडर्न एज में हमारा जो नजरिया है, हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो विचार है, वो बड़े बुजुर्गों के प्रति कैसा है, इसकी चर्चा की गई है। अब आते हैं पोएटिक डिवाइसेस। हमेशा से एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड बाय कमलादास इन दिस पोएम। प्यारे बच्चों,
आप केवल कुछ वर्ड्स याद रखना, हो सकता है ये वर्ड आप अभी नहीं समझेंगे, अभी उतना मैं समझा भी नहीं पाऊंगा आपको, और इसकी जरूरत भी आपको नहीं है, क्योंकि रियल लिटरेचर को आप तब समझेंगे जब आप इंटर पास करने के बाद, अगर आपका शौक लिटरेचर के क्षेत्र में जाना रहा, अगर आपने हिंदी ऑनर्स या इंग्लिश ऑनर्स रखा, तब आप लिटरेचर की बारीकियों को बेहतर तरीके से समझेंगे। इसलिए अभी आप फॉर इंफॉर्मेशन कुछ बातों को केवल याद रखें। तो अगर पूछा जाए कि इस कविता में कवित्री ने कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया है, तो हम लिखेंगे कि इन दिस पोएम द पोएट आई मीन पोएटेस हैज यूज्ड द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस इन दिस पोएम सच एज सिमिली, इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन एंड रिपीटेशन। कविता के दौरान मैं आपको बताऊंगा ये सारे टर्म्स कहां यूज किए गए। इस साल एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोएट। तो फिलहाल केवल आप समझ लें कि कवित्री का बचपन का वो डर क्या है। तो डर है टू सेपरेट फ्रॉम हर मदर। फिर मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं जो आप देख लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब आप वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उस वक्त आप कोई चीज को नोट नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप मिस कर जाएंगे, आप मेरी बातों को सुन नहीं पाएंगे। आप पहली बार गौर करके वीडियो को सुनिएगा, उसके बाद आप पॉज करके जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा वो आप लिख लेंगे। अब मैं इस कविता पर आ रहा हूं। इस कविता को लिखने के पहले कवित्री ने समाज को एक क्वेश्चन पूछी है। आप देखेंगे आपकी किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। वो कहती है कि उम्र बढ़ना प्राकृतिक है। दुनिया में जितने लोग आए हैं, लाइफ का हर स्टेज होता है, बचपन होता है, जवानी होता है, फिर बुढ़ापा होता है, तो ये नेचुरल है। Nobody can deny it. कोई ऐसा नहीं कर सकता कि मैं जवान हूं तो हमेशा के लिए जवान ही रहूंगा। उम्र बढ़ेंगे और जीवन की जो गतिविधि है वो होना। तो एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, यानी उम्र बढ़ना प्राकृतिक है। लेकिन जो क्वेश्चन इस कविता के माध्यम से कवित्री जो रेज करती है, समाज के सामने जो रखती है कि हैव यू एवर थॉट What our elderly parents expect from us? कि आपने कभी क्या सोचा है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो माता पिता हैं, जो हमारे दादा दादी हैं, वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं? This is the question and you can know that this is the theme of this poem. यानी इस कविता के माध्यम से कवित्री हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की बात करती है, आत्मचिंतन करने की बात करती है, कि हमें बैठ करके इस बात को सोचना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग माता पिता हमसे क्या उम्मीद करते हैं, जो उसके इस उम्मीद पर हम अपने आप को पूरा नहीं कर पाते हैं। बच्चों, इस कविता को जब मैं पढ़ाता हूं ना, तो मेरा एक पर्सनल टचिंग होता है। मां, मदर, टचिंग यह है कि आज का जो मॉडर्न समाज है, इस समाज में जो मानवीय जो संबंध है उसका जो ह्रास हुआ है, उसका जो विघटन हुआ है, वो साफ तौर पर हम सब कोई देख सकते हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान सरकार का एक बहुत बढ़िया फैसला आया कि रामायण और महाभारत को, पुराना रामायण और महाभारत को, उसको चालू कर दिया जाए। मुझे पता है बच्चों, आज के बच्चों को शायद रामायण और महाभारत अच्छा नहीं लगता होगा। आप देखते हैं या नहीं देखते हैं मुझे पता नहीं है, मैं रामायण को कम से कम 20 बार देख चुका हूं, देख चुके होंगे, लेकिन आज भी मैं
9 बजे दिन को और 9 बजे रात को बैठ करके रामायण को देखता हूं, क्योंकि हमारी समाज और संस्कृति के जितने भी आदर्श हैं, आप रामायण जब आप देखेंगे तो हमारे नैतिक मूल्य, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वहां भरत का चरित्र चित्रण देखेंगे, वहां लक्ष्मण, वहां आप हर इंसान का, इंसान के प्रति जो संबंध जो है उसको कैसे जीता है, रामायण हमें अपने मानवीय संबंधों को जीने के लिए सिखाता है। तो इस कविता के माध्यम से मैं सारे बच्चों से एक निवेदन करूंगा कि आप जरूर देखेंगे रामायण। मदर यानी मां, एक बच्चा जब पैदा होता है तो यह माना जाता है कि बच्चा का पहला वर्ड होता है मां। क्यों? इसलिए आई थिंक मदर इज द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट वर्ड इन आवर डिक्शनरी। दुनिया के डिक्शनरी में मां से खूबसूरत, मां से बेहतर और मां से आसान कोई शब्द नहीं हो सकता है। बच्चों, आप लोगों ने बागवान पिक्चर को देखा होगा। बागवान पिक्चर में इसी चीज को तो दिखाया गया है। अगर आप कमला दास को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप बागवान पिक्चर के थीम को समझिए कि किस प्रकार बुजुर्गों के साथ उनके जो बेटे हैं वो कैसा सलूक करता है, उसकी बात इसमें की गई है। मैं एक थोड़ा छोटा सा एक वाक्य से आपको मां के बारे में समझाऊंगा, फिर मैं आपको टॉपिक पर ले चलूंगा, क्योंकि मां मेरे दिल के काफी करीब है और मुझे लगता है खास करके आप जितने बच्चे हो अभी, तो आप मां के, मां की जो ममता है, उसकी करुणा, उसका तो बेहतर आप एडवांटेज ले रहे हो। लेकिन वो समय याद रखना जब आपकी जरूरत आपके मां और आपके पापा की होगी। मैं इस कविता को पढ़ाता हूं तो बहुत सारी कहानियां सुनाता हूं, लेकिन एक कहानी से मैं आपको मां को समझाने का प्रयास करूंगा कि मां है क्या। एक बार मैंने एक नाटक खेला था, उस नाटक का नाम था मां का कलेजा। उसमें जो मां के लव को, जो अल्टीमेट जो लव मदर का है, उसको समझाने का प्रयास किया है। उसमें स्टोरी क्या है कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक लड़के को एक लड़की से काफी प्यार हो जाता है और वो अपनी प्रेमिका को कहता है कि मैं दुनिया में सबसे अधिक तुमको प्यार करता हूं और मैं आसमान के तारे भी तोड़ के दे सकता हूं, तुम मांगो। लड़की ने कहा कि नहीं, जाओ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। बोला, तुम कैसे कर सकते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम मेरा टेस्ट ले लो। लड़की ने कहा कि वाकई तुम मुझसे प्यार करते हो। लड़के ने कहा कि आजमा लो। तो लड़की ने कह दिया कि ठीक है, अगर तुम वास्तव में मुझे प्यार करते हो तो तुम क्या मुझे अपनी मां का कलेजा ला करके दे सकते हो। देखिए आज मॉडर्न यूथ लव को क्या समझता है। वो नादान जाता है, दौड़ के घर जाता है, उसकी मां खाट पर सोई हुई है, वो चाकू खंजर से मां के कलेजे को चीरता है और कलेजे को लेकर के अपने प्यार का प्रमाण देने के लिए दौड़ता है अपने प्रेमिका की ओर। लेकिन रास्ते में जब वो जंगल से गुजर रहा है तो अपने प्यार के प्रमाण को कितना जल्दी दे दूं, इसके लिए वो आतुर है। दौड़ते वक्त वो लड़का गिर जाता है और उसके हाथ से वो कलेजा छूट जाता है। उस कलेजे से आवाज आती है कि बेटा, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। मेरे प्यारे बच्चों, कलेजे की इस आवाज में जो फीलिंग है, दिस इज द अल्टीमेट लव ऑफ योर मदर। मां का प्यार इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मैं मां को समझाने में सफल हो चुका हूं। कहने की तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं वीडियो को बहुत ज्यादा नहीं करूंगा बड़ा। तो अब मैं डायरेक्ट कविता पर आऊंगा। बच्चों,
अब मैं डायरेक्ट कविता पर चलता हूं, कंटेंट पर चलता हूं। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं पोएम जब पढ़ाऊंगा तो लाइन बाय लाइन कॉमा फुल स्टॉप पढ़ाऊंगा, और आपको इस कविता के बारे में जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा, ये पूरी कविता द होल पोएम इज इन सिंगल लाइन। ये पूरी कविता एक लाइन की कविता है, मतलब कमला दास ने इस कविता के माध्यम से अपनी जो फीलिंग को जो पिरोई है वो केवल एक फीलिंग है। इसलिए यह भी जानना बड़ा जरूरी था कि पूरी कविता एक लाइन की है। अब मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास किताब है फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो मैं दिखा दूं आपको, इस प्रकार की किताब होगी। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब अपने सामने निकाल लीजिए और लाइन बाय लाइन, क्योंकि देखो मैं पहले बता दूं भाई, मैं खास करके हम जितने भी टीचर्स हैं हमारे ग्रुप में, थोड़ा सोशल मीडिया में हम लोग बड़ी कमजोर हैं, तो गलतियां होगी उसको आप लोग नजरअंदाज करेंगे। और बहुत सारा मैं देखता हूं तो पोएम पूरा लिखा रहता है, उतना फैसिलिटी है नहीं, तो आप कविता को अपने सामने रखें और फिर आप पढ़ें मेरे साथ। इसका जो बैकग्राउंड है पहले थोड़ा समझ लीजिए, पूरी कविता का एक बैकग्राउंड होता है। तो बैकग्राउंड क्या है कि कमला दास विदेश जा रही है, सी इज गोइंग अब्रॉड। व्हाई? बिकॉज हर हस्बैंड एंड हर चिल्ड्रेन लिव इन अब्रॉड इन फॉरेन कंट्रीज एंड सी हैज कम टू हर मदर टू मीट हर दैट टाइम when she was 66 years old। ध्यान देंगे, इस कविता का नाम है माई मदर एट 66। मेरी मां की उम्र 66 साल है, लेकिन इस कविता के माध्यम से कवित्री दुनिया भारत के तमाम माओं की चर्चा कर रही है कि माएं जब बूढ़ी हो जाती है तब उनकी स्थिति क्या होती है। और समाज, हमारे समाज में एक बड़ा चलन चला है ओल्ड एज होम सेंटर। मुझे लगता है कि आधुनिक समाज के ऊपर एक तमाचा है। मैं कभी नहीं चाहता हूं कोई भी मां या बुजुर्ग व्यक्ति को किसी ओल्ड एज होम सेंटर की आवश्यकता हो। इसलिए इस कविता के माध्यम से मैं सारे विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि मदर हमारी जो है, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे भगवान हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो दादा दादी हैं वो हमारे भगवान हैं, और उनकी देखभाल करना, उनकी सेवा करना, उससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई नहीं है। तो सिचुएशन आप समझ गए होंगे कि कमला दास अपनी मां से मिलने के लिए आई है और आज वह अपनी मां से अलग हो रही है, सी इज गोइंग टू अब्रॉड। अब आप इस कविता पर मैं ले चलता हूं। इस कविता की पहली लाइन है, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। आप किताब को जरूर देखेंगे, यानी पिछले शुक्रवार का दिन था, लास्ट फ्राइडे। यानी इससे यह पता चल जाता है कि कवित्री ने इस कविता को विदेश में लिखी है, जब अपनी मां को छोड़कर के अब्रॉड चली गई तो उस पल को वो याद करती है कि इट वॉज लास्ट फ्राइडे व्हेन आई वॉज ड्राइविंग टू कोचीन। कोचीन वर्ड यहां क्या है? कोचीन इज द नेम ऑफ एन एयरपोर्ट, क्योंकि विदेश जा रही है। लेकिन वो कहती है कि ड्राइविंग, ड्राइविंग मतलब आप समझ सकते हैं कार चला रही है वो, और इसका मतलब अपने घर से कार चलाते हुए वो कोचीन एयरपोर्ट की तरह जा रही है। वो पिछले रविवार की बात, सॉरी शुक्रवार की बात है। आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, वो कहती है कि पिछले रविवार को जब मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में अपने घर से कार से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी तो अचानक मुझे
मेरे बगल में बैठी मेरी मां पर नजर पड़ी। इस जगह मैं फिर थोड़ी सी कविता को रोकता हूं। प्यारे बच्चों, वो कहती है कि आई saw my mother beside me, beside मतलब मेरे बगल में मेरी मां बैठी है। आप समझ सकते हैं कि कमला दास विदेश जा रही है तो उसकी मां कहां जा रही है। इसका मतलब उसकी मां अपनी बेटी को छोड़ने के लिए कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। अब आप मां की ममता को यहां समझिए। उसकी मां की उम्र 66 साल है। जब वो घर से निकल रही होगी तो मां ने जिद किया होगा कि बेटा मुझे भी जाना है तुझे सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट तक। कमला दास ने कितना उसे मनाई होगी कि मां अब तू बूढ़ी हो गई है, इस उम्र में मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। लेकिन इसी को कहते हैं मां की ममता। मां से नहीं रहा गया, मां ने जिद कर दी होगी, नहीं बेटी मैं तुझे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक जाऊंगी। इसलिए कवित्री कहती कि जब मैं रास्ते में जा रही थी तो अचानक मेरी नजर मेरे बगल वाली सीट पर बैठी हुई मेरी मां के ऊपर पड़ी। यानी कमला दास वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट एंड हर मदर वॉज सीटिंग इन द कार बिसाइड हर। बिल्कुल समझ रहे हैं आप। अब जैसे ही कवित्री की नजर उसकी मां के ऊपर पड़ी तो उन्होंने क्या देखी, डोज। एक वर्ड मैंने यहां लिखा है डोज, स्लिपिंग लाइटली, डोजिंग। हम इस बात को जानते हैं कि जब आप ट्रेवल करते हैं, जब आप कहीं जाते हैं तो खास करके बुजुर्ग जो लोग होते हैं और बच्चे जो होते हैं उसको गाड़ी में नींद आ जाती है। तो व्हेन सी लुक्ड एट हर मदर बिसाइड हर देन व्हाट डिड सी नोटिस, सी नोटिस्ड दैट हर मदर वॉज स्लीपिंग ओपन माउथ्ड। इन सारे वर्ड पर आप जरूर ध्यान दोगे। कवित्री यहां अपनी मां की दशा या उसके शारीरिक दुर्दशा का वर्णन कर रही है कि उसकी मां सोई हुई है और उस सोई हुई मुद्रा में उसके मुंह खुले हुए हैं, ओपन माउथ्ड। हम इस बात को समझ सकते हैं कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो लोगों का जो दांत होता है वो झड़ जाता है, और इसका मतलब उसकी अवस्था को आप समझा सकते हैं। यानी थ्रू दिस लाइन द पोएट इज टेलिंग हर द फिजिकल कंडीशन ऑफ हर मदर। अपनी मां की शारीरिक स्थिति का वर्णन वो कर रही है कि वह सोई हुई है, उसके मुंह खुले हुए हैं, हर फेस एसीन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, लाइक ए कॉर्प्स। मैंने एक वर्ड यहां यूज किया है सिमिली। कवित्री कह रही है कि जब मेरी नजर मेरी मां के ऊपर पड़ी तो मैंने देखा कि मेरी मां सोई हुई है, उसके मुंह खुले हुए हैं, उसका चेहरा ऐसे यानी पीला पड़ गया है। पीला क्यों पड़ गया है, क्योंकि बुढ़ापा है। बूढ़े हो जाने के बाद ऐसे भी शरीर का जो चेहरा होता है वो बेरंग हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ब्लड जब शरीर में कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो पीला दिखने लगता है। और उस वक्त कवित्री कहती है माय मदर वाज लुकिंग लाइक ए कॉर्प्स, आई मीन डेड बॉडी। यानी फिजिकल कंडीशन को देखिए उसकी मां का। कवित्री कहती है कि जब मेरी नजर मां के ऊपर पड़ी तो मैंने देखा कि मेरी मां सोई हुई है, उसके मुंह खुले हुए हैं, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है। यानी उस वक्त उसकी मां एक शव, एक डेड बॉडी, एक मृत शरीर की तरह दिख रही है। यानी हियर द पोएट हैज कंपेयर्ड हर मदर्स बॉडी विथ ए डेड बॉडी। यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कवित्री के मां के शरीर की तुलना किससे कवित्री ने की है, तो सी हैज कंपेयर्ड हर मदर्स बॉडी विथ कॉर्प्स, आई मीन डेड बॉडी, एंड रियलाइज्ड विथ पेन। और कवित्री कहती है कि जब मैंने अपनी मां के जीवित शरीर में एक लाश की अनुभूति मुझे हुई तो आई रियलाइज्ड विथ पेन, मैं काफी दुखी हो गई।
स्वाभाविक बात है। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि जिंदे मामे ये डेड बॉडी का ख्याल कवित्री के मन में कैसे आया, कहां से आया? समझना इस बात का जरूरी है कि द पोएट इज गोइंग टू अब्रॉड टू लीव हर मदर एंड द फिजिकल कंडीशन ऑफ हर मदर इज वेरी बैड एंड व्हेन शी इज गोइंग अब्रॉड। इस कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की लाइफ का चैलेंज के बारे में भी बड़ा चर्चा किया है। बेटी जो होती है वो मां भी होती है, वो पत्नी का भी रूप होता है, उसके कई रूप हैं। लेकिन कमला दास ने इस कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि बेटियों का जो लाइफ होता है वो बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि कवित्री भले ही विदेश जा रही है लेकिन उसका मन उसकी मां के पास है, और जाते वक्त उसके मन में यही ख्याल चल रहे हैं कि क्या पता जब मैं वापस लौट करके आऊंगी तो क्या मेरी मुलाकात मेरी मां से हो पाएगी। इसलिए कवित्री ने इस जगह अपनी मां की तुलना डेड बॉडी से किया है, और कवित्री के मन में मृत्यु की बात जब आती है तो वो काफी उदास हो जाती है, वो काफी दुखी हो जाती है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। कवित्री कहती है जब मेरी ये स्थिति कार में हुई कि मैंने अपनी मां को जब देखी उस मुद्रा में तो मेरा मन बड़ा व्यथित हो गया, मैं बड़ा दुखी हो गया, लेकिन मुझे तो विदेश जाना था, यह मेरी मजबूरी थी क्योंकि वहां हमारे बच्चे थे, हमारे पति थे। तो देखिए बेटियों का लाइफ, वो कहती है आई वॉन्टेड टू चेंज माई मूड, क्योंकि मुझे लगा अगर यह मनस्थिति हमारी रही तो हम अपनी मां को छोड़ करके विदेश नहीं जा पाऊंगी और मुझे जाना होगा। तो उसके पास उसके लिए वो क्या उपाय करती है, शी वॉन्ट्स टू चेंज हर मूड, यानी उसकी जो मनोदशा है अपनी मां के प्रति उसको बदलना चाहती है। थोड़े पल के लिए वो मां की उस अवस्था से वो निकल करके दूसरी दुनिया में जाना चाहती है। एंड पुट दैट थॉट अवे, एक्सप्लेनेशन में ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पुट दैट थॉट मींस द थॉट ऑफ द डेथ ऑफ हर मदर। दैट थॉट मींस मां के मरने की जो वो सोच है कि मेरे लौटने के पहले मेरी मां मर जाएगी, कभी उस थॉट को दूर करना चाहती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। एक क्वेश्चन ये भी यहां रेज होता है, व्हाट डज द पोएटेस डू टू चेंज हर मूड, तो इसका आंसर एक लाइन में होगा द पोएटेस लुक्स आउट ऑफ द कार टू चेंज हर मूड। अपने मूड को बदलने के लिए वो क्या करती है, कार के बाहर देखती है, क्योंकि एक तरफ वो मां जो सोई मुद्रा में लेटी हुई है जिसे देख करके कवि का मन व्यथित हो गया है, तो कवित्री दूसरी ओर कार के बाहर इसलिए देखती है ताकि थोड़े देर के लिए हम अपने इस मूड को भुला पाए, क्योंकि अगर मेरी स्थिति ऐसी रही तो मैं मां को छोड़ करके नहीं जा पाऊंगा, इसलिए वह बाहर की दुनिया को देखती है। और क्या देखती है, दो चीजों का वर्णन है। एक क्वेश्चन यहां ये भी रेज होता है कि व्हाट डिड द पोएट सी आउट ऑफ द कार, तो हमें दो चीज लिखना है, द पोएट लुक्ड आउट ऑफ द कार टू थिंग्स, वन यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड सेकेंड मैरी चिल्ड्रेन। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जरा समझेंगे बच्चों, आप लोग भी ट्रेन से कार से गुजरते हैं तो आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि वेन एवर वी ट्रेवल बाय कार और ट्रेन, जब हम भी कार और ट्रेन से जब हम कहीं जाते हैं तो बाहर की वस्तुएं हमें विपरीत दिशा में दौड़ता हुआ प्रतीत होता है। इट सीम्स, इट डजंट हैपन बट इट सीम्स, ये प्रतीत होता है। तो कवित्री क्या देखती है कि वृक्ष दौड़ रहे हैं, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डज स्प्रिंटिंग मीन, तो आप याद रखेंगे रनिंग फास्ट,
दौड़ता हुआ वृक्ष का वर्णन है। अब यहां स्प्रिंटिंग ट्रीज क्यों है? क्योंकि दौड़ता वही है जिसके शरीर में एनर्जी होता है। यानी एक तरफ जीवन के स्टेजेस के बारे में भी इस कविता में कवित्री ने बात की है, एक तरफ बात की वहां बुढ़ापा ओल्डनेस जब उन्होंने अपनी मां को देखी, या यंग ट्रीज करती है यानी यहां यूथ के बारे में कवित्री बताना चाहती है कि जब हम जवान होते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी होता है और हम दौड़ते हैं। और सेकेंड चीज क्या देखी, द मैरिड चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, सुबह का टाइम है, मैरिड चिल्ड्रेन, फिर यहां एक वर्ड है मैरी, हैप्पी, हैप्पी चिल्ड्रेन आर गोइंग आउट ऑफ देयर होम, स्पिल आउट मतलब टू कम आउट फ्रॉम देयर होम, आने बच्चे घर से निकल करके जा रहे हैं। लेकिन बच्चे के वर्ड के पहले कवित्री ने यहां मेरी वर्ड यूज किया है, क्यों? क्योंकि एक कहावत है ना, जहां बच्चों का संग वहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग वहां खर्चे का तंग। यानी बच्चा का जो इमेज हमारे मन में जो होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है, स्माइलिंग चिल्ड्रेन, क्योंकि बच्चा का जो हार्ट होता है बड़ा प्योर होता है, वो हमेशा स्माइल करता है, उसमें नॉटीपन होता है। क्योंकि कवित्री हंस क्यों रही है, क्योंकि मुस्कुराते हुए बच्चों को घर से निकलते हुए देखती है। तो बच्चों इस जगह आपको ये नोटिस करना है कि बच्चा जब रास्ते में चलता है तो हमारे और आपकी तरह नहीं चलता है, वो बड़ा नटखट होता है। हम लोगों को भी अपने बचपन का दिन याद है कि हम लोग भी बचपन में बहुत सारा नटखट पन करते थे। एक मैं बताता हूं, कभी आप लोगों ने भी कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ बच्चे बड़े शैतान होते हैं, शैतान बैड वर्ड है, मतलब हरकत की मैं बात कर रहा हूं उसका, कि मान लिया जाए जैसे हम लोग बिरनी, बिरनी आप लोग समझते होंगे हम लोग गांव में, तो उसका अगर या मधुमक्खी का छत्ता अगर वो देख लिया और अगर वो जा रहा है और देख रहा है कि पीछे से चार पांच आदमी आ रहा है तो वो क्या करता है, एक ढेला मार देगा और वो भाग जाएगा, ताकि और वहां से जाकर के दूर जाकर के वो देखेगा, मजा लेता है। तो ये उसका नेचुरल नॉटी फन होता है, इसलिए कवित्री ने मेरी चिल्ड्रेन की बात की है, यानी मुस्कुराते हुए बच्चे को देखती है। या और मैं आपको यह बता देना चाहूंगा कि कवित्री का जो मनस्थिति, जो वो दुखी थी इन मुस्कुराते हुए बच्चों को और इन दौड़ते हुए वृक्ष को जब वो देखती है तो वो गदगद हो जाती है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और इस प्रकार कवित्री एयरपोर्ट पहुंच जाती। देखिए बच्चों, शुरू से मैंने कह दिया था ये पूरी कविता एक लाइन की है और पूरा एक फीलिंग चल रहा है। वो घर से निकली है और अब वो एयरपोर्ट पहुंच गई। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब हम एयरपोर्ट जाते हैं तो हमारा एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग जब ट्रेन में किसी को सी ऑफ करने के लिए जाते हैं तो हम लोग भी ट्रेन में घुस जाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट में ऐसा नहीं होता है। एयरपोर्ट में एक बाउंड्री होता है, आप इस कविता में देखेंगे यहां दिया हुआ एक बाउंड्री, एक बैरियर होता है, उस बैरियर के उस पार वही लोग जाते हैं जिसके पास पासपोर्ट या वीजा या टिकट होता है। और इस मतलब सीन को आप समझने का प्रयास करेंगे, पूरी कविता का जो उद्देश्य है बस इसी सीन को बताने के लिए कवित्री ने इस कविता को लिखा है कि सिक्योरिटी चेकिंग जब चल रहा था, अब उसके सामान का चेक इन हो रहा है, उनके बॉडी का चेक इन हो रहा है। स्टैंडिंग ये फ्यू आर्ट्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेन, बड़ा दर्दनाक वर्ड सब यूज किया हुआ है। कवित्री कहती है कि वेन सिक्योरिटी वॉज गोइंग ऑन, जब जांच की प्रक्रिया जारी थी तो अचानक मेरी नजर फिर से मेरी मां के ऊपर पड़ी, तो मैंने क्या देखा, माई मदर वॉज स्टैंडिंग ये फ्यू आर्ट्स अवे, मेरी मां वो जो बैरियर है उसके कुछ दूर पर खड़ी होकर के एक टक लगा करके अपनी बेटी को देख रही है। और उस वक्त फिर उसका शरीर क्या है, वेन, आप देखोगे एक वर्ड मैंने लिखा है वेन, मतलब कलरलेस, यानी मां के चेहरे का पूरा रंग उड़ा हुआ है, पेल यानी जितना पीलापन कवित्री ने कार में अपनी मां के चेहरे को देखे थे उससे ज्यादा और पीला हो गया है। एज ए लेट विंटर मून, फिर एक क्वेश्चन यहां आता है, और उस वक्त कवित्री ने अपनी मां की इस मुखड़ी को लेट विंटर मून से तुलना किया है। एक क्वेश्चन यह भी हो सकता है कि विथ विच डज द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस इन एयरपोर्ट,
तो आपको लिखना है द पोएट हैज कंपेयर्ड हर मदर्स फेस विथ लेट विंटर मून, जाड़े की चांद। अब यह समझना होगा कि कवित्री ने यहां अपनी मां के चेहरे को जाड़े की चांद से तुलना क्यों किया है। तो इसलिए क्योंकि जाड़े का जो समय होता है उस वक्त में चांद की जो चांदनी है वो ऑब्स्क्योर होता है, वो डल हो जाता है ड्यू टू फॉग और मिस्ट, यानी बर्फ के कारण, धुंध के कारण चांद की चांदनी उतनी नहीं आ पाती है। तो कवित्री जब अपनी मां के चेहरे को इस वक्त जब देखती है तो इसलिए उन्होंने अपनी मां के चेहरे की तुलना जाड़े की चांद से किया है, क्योंकि जिस प्रकार जाड़े में चांद अपनी चांदनी, अपनी रोशनी खो देता है, उसी प्रकार मेरी मां के चेहरे का भी रंग उड़ा हुआ है। शी हैज लॉस्ट हर एनर्जी, शी हैज लॉस्ट हर साइन बिकॉज शी हैज बिकम ओल्ड। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो दर्द कवित्री के मन में कार में चल रहे थे अब वही सेम दर्द ट्रांसफर हो गया है। उसकी मां इसलिए टकटकी लगा करके देख रही है क्योंकि उसको पता है कि मेरी बेटी अब मुझसे जुदा हो रही है और अपने बेटे के चेहरे को अपनी आंखों में भर लेना चाहती है, इसलिए वो टकटकी लगा करके देख रही है और वो दुखी है क्योंकि सी इज डाउटफुल टू सी हर मदर अगेन, क्योंकि उसको अपनी बेटी से फिर से मिलने में एक डाउट है। और यहां कभी कहती है दैट फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, बचपन का डर कवि को याद आ जाता है, कवित्री को याद आ जाती है। वो डर क्या है कि बचपन में जिस प्रकार मां हमसे अलग हो जाती थी तो किस प्रकार बच्चा विह्वल हो जाता था, किस प्रकार कवित्री बेचैन हो जाती थी। उस सीन को याद करती है कि अब वो वक्त है, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि हमारा और हमारी मां का यह अंतिम मिलन है, अंतिम फिजिकल टच है। और कवित्री फिर से एक बार काफी दुखी हो जाती है मां के इस मूड को देख करके कि मां खोई हुई है। लेकिन बच्चों, पढ़े लिखे लोगों का एक काम होता है कि हमेशा से वो अपने बुजुर्गों का ख्याल रखे। कवित्री बड़ा होशियार है, कवित्री के मन में भी काफी दर्द है, लेकिन लास्ट टाइम वो क्या करती है, वो कहती है बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून मां, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और कवित्री जाते वक्त अलविदा कहती है मां को। एक क्वेश्चन यहां भी आता है कि पार्टिंग वर्ड्स क्या है, कवि के बिछोड़ने के शब्द क्या है, तो सी यू सून मां, मैं फिर से तुमसे मिलूंगी, ये कवि बताती है। यानी इस लाइन के माध्यम से कवित्री एक बुढ़ापे में जान डालने का काम करती है, एक बूढ़े व्यक्ति को मिलने के प्रति आश्वस्त करती है और वो मुस्कुराती है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल एंड रिपीटेशन, तीन बार स्माइल वर्ड का यूज हुआ है। यानी थ्रू हर स्माइल एंड थ्रू हर डिपार्टिंग वर्ड शी वांट्स टू कंसोल हर मदर, अपनी मुस्कान और अपने बिछुड़ने वाले शब्द के माध्यम से कवित्री अपनी मां को ढाढ़स दिलाती है। बट द पोएट नोज दैट हर स्माइल इज फेक एंड फॉल्स। कवित्री को इस बात का पता है कि हमारी जो ये मुस्कान है वो बड़ा झूठा है, फ्रेव है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि कवित्री को भी मां से बिछुड़ने का गम है। तो प्यारे बच्चों, कविता का अंत यही हुआ। इस कविता के अंत में जो मैसेज है वो ये कवित्री बताना चाहती है, अंतिम सीन को बताना चाहती है कि जब आप के माता पिता बुजुर्ग हो जाएं, बड़े हो जाएं, उस वक्त जब अपने माँ बाप को आप छोड़ करके जाते हो, तो दोस्तों बच्चों यही स्थिति उस माँ की होती है। उस माँ को लगता है कि शायद अब अंतिम समय है, अब फिर से मैं अपने बच्चे को नहीं देख पाऊंगी। तो थ्रू दिस पोएम द पोएट गिव्स अस मैसेज दैट वी शुड लव आवर पेरेंट्स एंड वी शुड नेवर लीव आवर इल्डरली पेरेंट्स एट ओल्ड एज। बुढ़ापे में तो कभी भी हमें अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में हमारा जो प्यार है, हमारी जो स्नेह है, वही बुढ़ापे की लाठी है, वही उसकी दवाई है। उसको हम सोने से या महंगी वस्तुओं से नहीं तोड़ सकते हैं। हमारा प्यार, आत्मीय संबंध उस बुढ़ापे की लाठी है। और हमें किसी भी हालत में बुजुर्गों के प्रति नेगेटिव अप्रोच नहीं रखना है, बुजुर्गों का सम्मान करना है, उसको प्यार करना है। मुझे लगता है अब आप लोग इस कविता को समझ गए होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।